है तो कोई तड़कती फड़कती चीज़, तुम भी देखोगे, तुम भी बोलोगे। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जब काम से वापस आए। अभी मुझे काम पे पहुंचना है, मुझे काम बहुत है। गुड्डू भी ये नहीं लेके आते हैं जैसे किसी की मुंडी काट के, ऐसे लग रही है। देखो खड़ी है ये, क्या खड़ी है, छोटे छोटे भी होते हैं। हाँ तो भाई लोग कैसे हो सारे, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज है मेरा वर्किंग डे, पर मैं कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। अभी अभी थोड़ा टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बाद में जाना मुझे ऑफिस। पर अभी मैंने हाफ डे लिया हुआ क्योंकि एक बड़ी स्पेशल चीज़ है आज। आज बहुत स्पेशल दिन है, आज आ रही है मेरी मोटर बाइक, ठीक है। तो उसकी डिलीवरी आनी है अभी 9:30 के आसपास, तो इसीलिए मैंने हाफ डे लिया हुआ। तो फिर मिलते हैं तुम्हें, तो तभी दिखाते हैं। तो टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, तुम्हें लग ही गया पता कौन सी बाइक है। तो तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ। अभी कोई शायद 2-3 हफ्ते हो गए, जो बाइक है ये वो आ रही है सिडनी से, ठीक है। तो 2 हफ्ते पहले थी, मैंने फाइनलाइज वगैरह बुकिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी, पर उन्होंने बोला कि हमारा जो उनका फ्लाइट जाता जो भी, कि हमारा इसी डेट को जाएगा, तो तुम्हें इस दिन मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज वो ले आएंगे 9:30-10 के करीब बोला, इसीलिए मैंने काम से भी छुट्टी ली है। छुट्टी तो नहीं ली है मैंने, काम पे ही बोला कि जब तक नहीं है तब तक मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा। जब आ जाएगी तो उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन कराने जाना, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना, क्योंकि मेरा हेलमेट भी आया है। और फिर उसके बाद मैं काम पे निकल जाऊँगा। तो है तो कोई तड़कती फड़कती चीज़, तुम भी देखोगे, तुम भी बोलोगे। एक्साइटेड हूँ आज मैं पूरा, बड़े टाइम के बाद बाइक मिल रही है, मिल क्या रही है, बाइक चलाने को मिलेगी। अब गाड़ी अपनी खड़ी कर दूंगा, बाइक चलाया करूंगा। पर अभी बारिश बहुत लग रही है यार, आजकल बारिश का मौसम है, पता नहीं क्या, 2 हफ्ते से बारिश लगी है। तो चलो जब आएगा वो बाइक वाला तो तुम्हें दिखाते हैं फिर। ए, जल्दी आ गया वो अपनी बाइक आगे निकल रही है। ने दे दिए इसने जुगाड़, देख लो कौन सी आएगा। द पेपर फॉर मी टू साइन प्लीज। नेम जस्ट फर्स्ट नेम विल डू मैन। हां तो भाई लोग आ चुकी अपनी डुकाटी डियावल, इसकी स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे काम पे निकलना है। चलो तुम्हें ऑन करवा के दिखा देता हूँ। हाँ तो भाई लोग अब मैं हो गया हूँ तैयार और मैं जा रहा हूँ काम पे। अभी ऑस्ट्रेलिया पोस्ट आया हूँ, मुझे यहाँ से अपना हेलमेट आया मेरा, तो वो उठाना है, वो पार्सल लेते जाके। हाँ तो भाई लोग पार्सल उठा लिया, अभी इसको पीछे फेंक देंगे। चलो पीछे, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जब काम से वापस आए। अभी मुझे काम पे पहुँचना है, मुझे काम बहुत है, ठीक है। तो तुम्हें मिलता हूँ फिर बाद में।
हाँ तो भाई लोग जॉब हो गई खत्म, एक तो लाइट नहीं, इधर 4 बज गया, अपना जॉब खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ सीधे जिम, तो जिम मारते हैं तो मैं आगे मिलते हैं फिर। आगे जिम में अब आज है अपना बैक डे, आज बैक मारेंगे, कमीज टाइट हो गई है, बल्कि सब कुछ टाइट हो गया, पैंट का नंबर, पैंट का साइज 2 नंबर बढ़ गया। हाँ तो भाई जिम से आ गया था वापस, अभी अपना जो पार्सल लेके आया था उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। जाओ थोड़ा एंगल अच्छा बना लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यही मिली थी छोटी सी कैंची, इसी से ही होगी अनबॉक्सिंग भी होगी। एक तो यार जिस टाइम पे ना ये माइक चलना होता है उस टाइम पे ये माइक चलता नहीं, अभी इसमें बैटरी नहीं है, तो इसमें मंगाया था मैंने 18 किलोमीटर। ये अपना हेलमेट है, अभी मिर्ज़ापुर देखी थी कल परसों, ऐसे लग रहा है वो गुड्डू भैया नहीं लेके आते हैं जैसे किसी की मुंडी काट के, ऐसे लग रही है तो भी पीछे ना, पेशेंस नहीं अपने में इसको खोलने सारे को, देखा ऐसे खुला। अच्छा ये अपनी मैंने मंगाया भी ग्लोसी ब्लैक था, बाइक तो मैट ब्लैक है पर मंगाया एक ग्लोसी ब्लैक था, क्या लग रहा है, लग रहा है ना। मेरे पास ऐसे एक और हेलमेट था SMK का, पर वो उसका यार ये ख़राब हो गया था ना, और फिर वही $80-90 का था, तो मैं बोला ये मुझे कितने का मिल गया, 250 का तो ये मिल गया, मैं बोला ये बढ़िया है, ये नया वाला आया है कोई K1S करके। साइज मैंने मंगाया था, मेरा कौन सा साइज था, मीडियम था, मीडियम था, पर यार इसने ये वाला बेकार दे दिया यार, क्लिप चाहिए था मुझे, ये तो बेकार होता है, ये मज़ा नहीं आया, ये मज़ा नहीं आया, क्लिप वन होना चाहिए था। तो मीडियम मंगाया था तो आ नहीं रहा, अब क्या करें, वैसे यार तो थोड़ा टाइट पर नहीं बढ़िया है, क्योंकि इसमें पैडिंग ज़्यादा ना तो टाइट ही अच्छा है, अगर लार्ज मंगा लो तो बहुत ज़्यादा, इसमें पैडिंग बढ़िया है ना तो ये, क्योंकि मैंने दूसरा वाला मेजर किया था, मैंने दूसरा वाला मीडियम था और वो शायद ढीला हो गया थोड़ा डाल डाल के, पर ये तो अभी नहीं है तो ये खुल जाएगा, ऐसे होता है ना घर में मम्मी बोलती है जैसे कपड़ खुल जाते हैं, वो भी खुल जाएंगे, ये भी खुल जाएगा डाल डाल के, ऐसे देख लो अंदर पैडिंग शैडिंग चली गई, ये स्पॉइलर भी बढ़िया लग रहा है पीछे से, हाँ मीडियम ही है 57-58। और बाकी इन्होंने क्या दिया है, ये है कुछ इसमें दिया, अच्छा ये आगे का है, अगर आगे का ये चेंज करना है, बोले QR कोड स्कैन करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ये तो ऐसी है, ये भी है, ये कहाँ जाता है, इसको फिट कर लेंगे किसी दिन, अभी टाइम नहीं है। और यही था यार, अभी बाइक का तुम्हें दिखाता हूँ यार कल परसों तक, कल मुझे ना कल मुझे काम से फिर मैं अपनी लंच ब्रेक लेट लूँगा ना, फिर मैं जल्दी निकल जाऊँगा काम से, लूँगा नहीं मतलब लंच ब्रेक, सीधे काम से मुझे गाड़ी इसकी करानी है रोड वर्दी, तो रोड वर्दी पे जैसे तुमने नई गाड़ी को ली है तो उसके साथ तुम्हें रजिस्टर करानी है, अगर तुम्हें अपने नाम पे रजिस्टर करवानी है गाड़ी तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है, उसमें रोड वर्दी मांगते हैं, तो रोड वर्दी करवानी मेरे पास, पर वो जैसे सिडनी से आई है बाइक, तो इसमें सिडनी वाली है वो, मतलब न्यू साउथ वेल्स वाली,
मुझे चाहिए क्वींसलैंड वाली, क्योंकि क्वींसलैंड है स्टेट, तो अब क्वींसलैंड वाली करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद कल ही होगा, वही काम होगा कल, फिर उसके बाद परसों, उसके अगले दिन फिर रजिस्ट्रेशन कराने जाऊंगा और रोड वर्दी लेके फिर चला पाऊंगा। चोचले ही है सरकार के। चलो मिनट आ गया, बढ़िया लग रहा है। तो मैं फिर व्लॉग में देखता हूँ, कंटिन्यू रखूँगा तो फिर थोड़ा लेट ही आएगा। चलो हाँ, तो भाई लोग मेरा कैमरा तो रह गया घर पे, पहले व्लॉग तो बनाना ही है। अगला दिन है, नेक्स्ट डे मैं काम से जल्दी आ गया हूँ, अभी इधर आया हूँ रोड वर्दी करवाने। तो रोड वर्दी करवाएंगे बोल रहे हैं 15-20 मिनट लगेंगे, तो 15-20 मिनट के बाद देखते हैं चलते हैं। यार इतना टाइम तो है नहीं ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुँच जाऊँ मैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है 4:30 बजे बंद, ठीक है। तो अभी 4:15 तो हो गए हैं, तो इतना तो होगा नहीं। अब कल फिर काम से जल्दी आऊँगा, फिर कल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाऊँगा। अभी देख लो इधर, तुम्हें दिखाता हूँ बाइक शाइक। देखो खड़ी है ये, क्या खड़ी है, ये छोटे छोटे भी खड़े हैं। ये R6 खड़ी है। ये देखो एक और डुकाटी खड़ी हुई है, मुस्लिम रेसिंग का हाइपर मोटराड है। हाँ तो भाई लोग, ये उससे भी अगला दिन है जब मैंने मुझे इन्होंने ये दे दी थी, इसको बोलते हैं रोड वर्दी। तो जब भी तुम्हें कोई गाड़ी रजिस्टर करानी है, तुम्हें एक रोड वर्दी चाहिए कि गाड़ी, इसको चलो एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, ठीक है। अभी तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। अभी यहाँ पे आया था मेन रोड से, मैं देखो 4 बजे काम फिनिश किया, 4:30 बजे बंद हो जाता, तो 15-20 घंटे के अंदर अंदर मैं इधर पहुँचा हूँ बड़ी मुश्किल से भाग भाग के। तो गाड़ी की प्लेट आ गई है, बाइक की प्लेट, तो यही थी, रजिस्ट्रेशन करानी थी। अब $600 लग गया रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी का, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होता है ये। तो मिलते हैं फिर तुम्हें आगे। हाँ तो भाई लोग, घर पहुँच गया हूँ, वापस आ गया था वहाँ से, तो अपनी प्लेट आ गई है ये, और ये लाना पड़ा मुझे स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि मेरे पास एक किट पड़ी है ना, पर उसमें जो मुझे फिलिप्स हेड वाला चाहिए, जो स्टार वाला था, प्लस वाला था, जो छोटा वाला, वो नहीं था मेरे पास। चलो इसको काटते हैं अभी, नीचे भी यही है छोटी वाली, जिससे कल हेलमेट काटा था। कुछ नहीं से कुछ ही सही, पुरानी वाली प्लेट खोलते हैं, उसको फेंकते हैं, पहले बाहर लाइट है कि नहीं है। ये इसकी बात कर रहा है, देखो मेरे पास पूरा सेट पड़ा है, यहाँ पे लाइट तो है नहीं इतनी। तो चलो ये वाली प्लेट खोलनी है और ये वाली लगा देनी है इसकी जगह, तो अभी इसको खोलता हूँ। भाई यार एक और सीन हो गया, अब देखो जहाँ पे छेद है इसमें छेद नहीं है, जिस वाली में छेद डालने का जुगाड़ करना पड़ेगा पहले, फिर ही डलेगी प्लेट। क्या यार, कुछ भी करने जाओ ना कुछ घपला हो ही जाता है। चलो अब छेद करने का जुगाड़ देखता हूँ क्या है। बाइक का प्लेट का पता क्या, वो एक वो भी यार अपना उसके पास गया था, तो प्लेट ये थी हमारी, क्योंकि हम तो ड्रिल से चेंज करनी था, ड्रिल से चेंज करती है। आज शोल्डर मारे हैं, हम निकलते हैं। पसीना डर रहा है ना, पसीना पड़ा, गर्मी लग रही, अब ठंड लग रही है क्योंकि हवा चल रही है। हाँ तो भाई लोग, फाइनली मैं घर आ गया हूँ। पता है मुझे ये वीडियो कोई तीन तीन दिन से चल रही है, हाँ 3 दिन से चल रही, पर यही था। अब
तो तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ शुरू से, क्या सीन हुआ क्या नहीं। एक तो हेलमेट पकड़ा, इसको रखते हैं कहीं पे, रखता हूँ। 3 दिन पहले बाइक आ गई थी, पर बात यही थी कि मेरे को पहले रोड वर्दी करानी थी। तो रोड वर्दी जो होती है वो रोड वर्दी होती है, जैसे तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि गाड़ी रोड पे चलने के लिए लायक, जैसे नाम से पता लगा कि रोड वर्दी तो गाड़ी चलने लायक है, ठीक है। तो वो तुम्हें मिलती है, जैसे तुम मैकेनिक के पास जाते हो, वो कोई टेस्ट वगैरह वो सब कुछ चेक करता है, ब्रेक चेक करेगा ये वो। गाड़ी की भी ऐसी होती है, बाइक की भी सेम होती है, ठीक है। तो वैसे चेक करता है, वैसे मैं किया था, उसने चेक किया सब कुछ। फिर उसके बाद उसने मुझे एक पेपर दे दिया, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वही रोडवर्दी नंबर। तो वही चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट ऑफिस वालों को कि उनके पास कंफर्मेशन कि गाड़ी रोडवर्दी है, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र कर दे। जब भी तुमने गाड़ी लेनी ख़रीदनी है तो ये करो कि रोडवर्दी के साथ लो। वैसे जो सेलर होता है उसी का वो होता है कि वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रोडवर्दी के साथ तुम्हें दे गाड़ी। पर कई बार होता है कि नहीं देते हैं, फिर आगे से तुम मांग सकते हो, तो वही है। फिर रोडवर्दी करवाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गया, तो नेक्स्ट डे मैंने रजिस्ट्रेशन कराई। फिर उसके बाद नंबर प्लेट आई, तो कल रात को वो नंबर प्लेट का सीन हो गया, वो ड्रिल वाला सिस्टम। तो फिर ड्रिल करने गया एक दोस्त के पास, फिर वहाँ ड्रिल की, फिर उसके बाद लगाई नंबर प्लेट। तो अब चला रहा हूँ फाइनली। अब इतने शॉर्ट्स वगैरह लिए नहीं है, जो भी है थोड़े बहुत लिए हैं, पर अभी मोटो व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे मोस्ट प्रोबली। तो यही थे बाइक का व्लॉग खरीदने का। बाकी तुम्हें तुमसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय बोले।